हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का यहाँ पर। और अगले किस्से की बात करते हैं, जो कि हमारा है रिलेटेड टू किस्से, टैम्पलेट से रिलेटेड। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 10th के स्टूडेंट्स मेरे साथ में, जिनके पास में IT402 कोड है। और हम लोग यहाँ पर अपनी थर्ड क्लास कर रहे हैं किसकी, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर की। और इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ जी टैम्पलेट्स। अब बात करते हैं कि हम लोग टैम्पलेट्स क्या होती हैं, कैसे प्री डिफाइंड टैम्पलेट्स को आप जो है यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आप खुद की टैम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो, विजार्ड के थ्रू कैसे क्रिएट हो सकता है, बाय डिफॉल्ट टैम्पलेट किस तरीके से सेट कर सकते हैं, या जो भी उसके अंदर आके फर्दर चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी हम कैसे देखेंगे इसके अंदर। तो चलिए टैम्पलेट्स से शुरुआत करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई हमारी जो टैम्पलेट होती है वो आखिरकार होती क्या है। तो टैम्पलेट एक तरीके से आप कह लीजिए कि पहले से बना करके हम कुछ चीज़ें हैं जो रख लेते हैं, ठीक है। अब मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पहले से हमने बना करके सेटिंग करके कुछ रख लिया। अब जैसे जैसे मेरे पास ज़रूरत या रिक्वायरमेंट आएगी, मैं उस टैम्पलेट्स में थोड़े बहुत चेंजेस करूंगी। और मतलब इससे क्या होगा, एक तो आपका टाइम सेव है जो होगा, क्योंकि आपने पहले से आधा काम करके रख लिया, ठीक है, या फिर आपने पहले से 90% वो चीज़ें करके रख ली और उसके अंदर जस्ट यू नीड टू फिल अप द थिंग्स, है ना। जैसे आप मान लीजिए कि मैं फिल इन द ब्लैंक्स की बात करती हूँ, तो हमने पूरी स्टोरी लिख ली, उसके अंदर जो वर्ब्स होती है तो मैं उस पर फिल इन द ब्लैंक्स कर देती हूँ, है ना। तो बच्चा आता है और उस वर्ब्स को फिल करता है, तो वही एक तरीके का क्या हो गया, टैम्पलेट हो गया, ठीक है। कि जैसे आपका ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं स्कूल के, है ना, तो उसके ऊपर जो स्कूल का लोगो है या फिर स्कूल का नाम, क्लास का नाम, ये सारी चीज़ें जो लिखी होती हैं वो हर पेपर में आपको दिखाई देती हैं, है ना। तो मैं उसका एक खांचा, एक टैम्पलेट पहले से बना करके रखूँगी, ताकि मैं उसको हर पेपर के अंदर इस्तेमाल कर सकूँ या यूज़ कर सकूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट्स में बना करके पहले से रख देती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं स्कूल का नाम, सर्टिफिकेट, विनर नेम, ये सारी चीज़ें कर दूँ, और जैसे जैसे विनर आते जाए मैं उसके अंदर विनर्स का सिर्फ नाम नाम फिल करके डिस्ट्रीब्यूट करती रहूँ, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो गई, टैम्पलेट्स हो गए। अब टैम्पलेट्स क्या है, और डॉक्यूमेंट टैम्पलेट्स रेफर टू अ सैम्पल, तो ये एक सैम्पल आपने बना करके रख लिया, फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसमें जो चीज़ें आपकी एट ए टाइम हो सकती हैं उनको आपने खाली रख दिया, और बाकी जो सब पर कॉमन आ रही होंगी उनको आपने पहले से ही डिफाइन करके रख लिया, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी है जो सेव होगा, राइट, एंड आप अच्छे तरीके से एक ही बार में वो क्रिएटिव काम है जो अपना कर दोगे, और फिर बार बार उसको इस्तेमाल या यूज़ है जो कर सकते हो आप, उस पर कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ग्राफिक, कुछ भी स्टाइल आप यूज़ करके उसको पहले से रख लो, एंड देन जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाते हो, जैसे आपने मान लो ग्रीटिंग कार्ड बनाया, ठीक है, बर्थडे का एक कार्ड आपने बना के रख लिया, अब जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसमें बर्थडे बॉय, जो भी जिसका भी बर्थडे है, उस बंदे का नाम चेंज करके बाकी आप देते जाओ, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, कि मैंने पहले से उस थीम को, उस स्टाइल को, उस कंटेंट को रेडी करके रख लिया है, ठीक है। तो टैम्पलेट क्या है, इट इज़ अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैम्पलेट, जैसे सर्टिफिकेट्स में, रेज्यूमे के अंदर, अवार्ड्स, कैलेंडर हो गया, क्योंकि कैलेंडर का फॉर्मेट क्या होगा, वही रहेगा ना, ठीक है। तो अब मैंने पहले से बना करके रख लिया, बिजनेस कार्ड्स हो गए, ब्राउचर्स हो गए, है ना, तो इसके अंदर मेरे को ये बड़ी ही हेल्प है जो करती है। तो बेसिकली एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इससे टाइम सेव हो जाता है, ठीक है, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हम इससे क्रिएट कर पा सकते हैं, कंसिस्टेंसी इन डॉक्यूमेंट, कि एक ही तरीके के डॉक्यूमेंट्स हम बना बना के भेजते रहेंगे। जैसे मैंने मान लो सर्टिफिकेट्स बनाए, मेरी क्लास में कुछ बच्चे थे जिन्होंने किसी एक्टिविटी के अंदर या किसी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, मुझे उनको जो है सर्टिफिकेट्स देने, तो सब बच्चों को एक ही तरीके के सर्टिफिकेट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। तो अब मुझे किसी को बर्थडे कार्ड है जो बना करके देना है, कि किसी का बर्थडे है, तो उससे मुझे बोला कि अच्छा आप ये कार्ड है जो, मैं पहले से क्या करूँगी, उसमें टैम्पलेट बना करके रख लूँगी, अब मैं सिर्फ उस बच्चे का नाम चेंज करूँगी और उसको दे दूँगी, है ना, तो वो सारा सेम कार्ड वो सबको दे देगा। तो कहने का मतलब है इसे कंसिस्टेंसी भी रहती है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो बेसिकली आप इसको शुरू किस तरीके से करते हैं, आपने क्या करना है, फाइल के अंदर जाना है, न्यू मेड फाइल टैम्पलेट,
टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। सो न्यू में जाएंगे और ये लास्ट हमारे पास में देखिए टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स है। तो पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट करना जानते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब यूजिंग प्री डिफाइंड, अगर आपके पास में पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट है तो हम बेसिकली उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट है ही नहीं है तो फिर उसका क्या, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले एक टेम्पलेट है जिसको बेसिकली बना करके रख लेती हूँ। ओके, सो मैंने इस तरीके से एक टेम्पलेट है जो बेसिकली बना करके रख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं जाऊँगी न्यू के ऊपर और यहाँ पर देखिए टेम्पलेट लिखा है तो मैं इसको सेव कर देती हूँ। सो आई एम क्लिकिंग ऑन सेव। सो माई टेम्पलेट, और इसका मैंने नाम दे दिया यहाँ पर विनर, विनर नाम दे दिया, और मैं इसको क्लिक ओके कर देती हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरी टेम्पलेट है जो बन गई। ओके, सो अब मैं इसको कट करती हूँ एंड मेरे को इस डॉक्यूमेंट को जो है सेव वेव करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं दोबारा से अपनी राइटर को ओपन करूँगी क्योंकि मैंने उसको एज ए टेम्पलेट सेव कर दिया है, ठीक है। आई विल बी क्लिकिंग ऑन दिस, इसके ऊपर करूँगी ये राइटर के ऊपर क्लिक, देन मैं न्यू पर जाऊँगी। कहाँ गया बच्चा, न्यू, यस न्यू गया। एंड न्यू के बाद में मैं यहाँ पर जा रही हूँ टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको देखो यहाँ टेम्पलेट के अंदर गए तो विनर, ठीक है। तो विनर पर मैंने क्लिक किया, तो अब मैंने विनर पर जैसे ही डबल क्लिक किया या मैं ओपन करूंगी तो ये टेम्पलेट मेरे पास में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मेरे को किसी बच्चे को अब देना है कोमल को, और उसकी क्लास है मान लो थर्ड, तो मैं उसको यहाँ पर दे दूंगी कि भाई ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से ये मेरी हेल्प है जो बेसिकली करेगा कि पहले से मैं इसको प्री डिफाइंड बना करके रख लूंगी, ठीक है। तो ये मेरी एक टेम्पलेट हो गई जो कि तैयार हो गई। तो आपको इंट्रोडक्शन टू टेम्पलेट पता चल गया, प्री डिफाइंड टेम्पलेट कैसे यूज करनी है, क्रिएट कैसे करना है आपको अपनी टेम्पलेट को, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया टेम्पलेट यूज करने का, और उसके बाद में वो जो टेम्पलेट बनी है उसको कैसे आप यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो पहले से बनी हुई टेम्पलेट को। नाउ बाय यूजिंग विजार्ड, इसमें आपको कोई भी क्रिएटिविटी अपनी तरफ से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खैर हम लोग इसको करते हैं, जैसे मैं विजार्ड के अंदर गई तो यहाँ पर मैं लेटर, फैक्स, जो भी मेरे को चूज करना, आई विल बी चूजिंग दैट, लेट सपोज आई एम चूजिंग लेटर, ठीक है। तो अब ये मेरे को इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है, तो ये मुझे फ्रूट डिपो और ये सारी लोगों को पहले से प्री डिफाइन करके बता रहा है। तो आपके पास में तीन है कि आपको बिजनेस लेटर यूज करना, आपको फॉर्मल की तरह यूज करना है, या आपको पर्सनल लेटर की तरह इसको यूज करना है। तो अब यहाँ पर आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं मरीन या फिर रेड लाइन या फिर कुछ ऐसे बॉटल काइंड ऑफ, ऐसा कुछ भी करके मैं इसको थोड़ा डिजाइनिंग बना सकती हूँ, ठीक है। तो मैं अब इसको नेक्स्ट पर क्लिक करती हूँ, मैंने पर्सनल क्लिक कर दिया, आपकी चॉइस है दैट इज, ठीक है। सो अब मुझे जो है यहाँ पर अटिपिकल लेटर फॉर्मेट फॉर दिस कंट्री, ओके। तो यहाँ पर आप अपनी कंट्री है जो बेसिकली एंटर कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है आप उस अकॉर्डिंग जो है एंटर कर सकते हैं। खैर यहाँ से आप इंडिया देख लेना, चूज कर लेना, ठीक है। हाँ जिस अकॉर्डिंग भी आप कर रहे होंगे, देखो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये स्टाइल और ये चीज़ें हैं जो आपकी चेंज हो रही है ना, ओके। बाकी कोई बड़ी ऐसी तोप नहीं है कि भाई क्या है ना। सो बेस्ट रिगार्ड्स अगर आपको लिखना है, ठीक है, सिंसियरली अगर आपको लिखना है तो लाइक हाउ आपने कहा हेलो, तो मैंने कहा है हाय दोस्त, ठीक है। तो वी कैन सी हेयर लाइक हाउ दिस इज गोइंग टू बी चेंज हेयर, है ना। सो देन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस नेक्स्ट बटन, एंड अब यहाँ पर मेरे को क्या है, नेम एंड लोकेशन जो भी आपने किया मैं फिनिश कर रही हूँ इसको, है ना। तो ये मेरी पहले से जो है बनी बनाई इस तरीके से मेरी टेम्पलेट है जो बेसिकली बन गई, एंड इसके अंदर अब मैं चेंज करके रख लूंगी। मतलब एक लोगो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, एक नाम सा डिस्प्ले हो गया आपके पास में, एंड हाई दोस्त एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इन बिटवीन दैट, दैट इज ओके, डन हो गया।
ठीक है, तो इस पर डेट भी ऑटोमेटिकली आपके पास में आ गए। तो ऐसे हमने विजार्ड के थ्रू अपनी टैम्पलेट को क्रिएट किया, कोई बड़ा बॉम्ब नहीं फोड़ दिया है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो कस्टम, अगर मैं डिफॉल्ट टैम्पलेट सेट करना चाहती हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी ओपन करूँ मेरी ये वाली टैम्पलेट ओपन हो, जैसे कि मैं आप न्यू पर क्लिक करके टेक्स्ट ओपन करती हूँ तो मेरे पास एक खाली ब्लैंक टेक्स्ट मतलब डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है, बट आई वॉन्ट कि ये वाला जो है मेरा ओपन हो। ठीक है, तो फिर ये वाला मेरा कैसे ओपन हो सकता है, पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ और इस पर जाती हूँ। अब पर गई एंड मैंने टैम्पलेट को क्लिक किया, ऑर्गेनाइज पर क्लिक कर लिया, ऑर्गेनाइज के बाद में माई टैम्पलेट एंड दिस वॉज द टैम्पलेट। अब मैं यहाँ देखिए कमांड पर क्लिक करूंगी, देन मैं सेट एज डिफॉल्ट करूंगी। तो जैसे मैंने सेट एज डिफॉल्ट किया, मैं क्लोज कर दूंगी। ठीक है, वेन एवर आई विल बी ओपनिंग, मैं जब भी एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी तो उसमें मेरे को मेरी ये वाली ही दिखेगी। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से इसको ओपन करती हूँ तो आई विल बी फाइंडिंग मेरी वो वाली जो टैम्पलेट मैंने बनाई थी वो मुझे बाय डिफॉल्ट दिखेगी। इवन ऑल दो मैं पूरा का पूरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको बंद कर दिया राइटर को, मैं दोबारा से जब राइटर को ओपन करूंगी तो मेरे को बाय डिफॉल्ट मेरी वही वाली टैम्पलेट है जो डिस्प्ले हो रही होगी। ओके, सो इस तरीके से देखो मुझे कैसे डिस्प्ले हो गया। अब मुझे इसको हटाना है कि भाई नहीं, मुझे सेटिंग नहीं करनी है इसकी। सो आई विल बी गोइंग टू द टैम्पलेट बैक एंड क्लिकिंग ऑन ऑर्गेनाइज एंड देन उस टैम्पलेट पर जाऊंगी, विनर पर करूंगी, देन रीसेट डिफॉल्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कर दूंगी। अब जब भी मैं इसको ओपन करूंगी अपने न्यू डॉक्यूमेंट को तो अब ये मेरे पास ओपन नहीं होगा। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही है जो मेरे पास ओपन होगा। इवन ऑल दो मैं इसको क्लोज करती हूँ, राइटर को दोबारा ओपन करती हूँ एंड क्या चीज़ पाऊंगी मैं यहाँ पर, कि कैसे देखो मेरा ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ठीक है, तो ये कहानी और किस्सा इसके साथ का रहा। तो आपने अभी तक क्या क्या इंट्रोडक्शन देखा, कैसे हम टेम्पलेट बना करके उसको यूज कर सकते हैं विजार्ड के थ्रू, डिफॉल्ट कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे मैं दोबारा से इसको चेंज कर सकती हूँ। अब मैं पुरानी कोई टेम्पलेट है उसको कैसे अपडेट कर सकती हूँ, जैसे कि मेरी ये वाली टेम्पलेट थी है ना विनर वाली, है ना। सो इसके अंदर आई वॉन्ट कि मैं कुछ चेंजेस करूँ। फाइल पर गई और मैंने टैम्पलेट पर क्लिक किया, ऑर्गेनाइज पर क्लिक किया, देन मैं उस टैम्पलेट को लेके आऊँगी, लेट सपोज विनर है। ठीक है, तो मैं इसको एडिट पर क्लिक करती हूँ। ठीक है, तो अब मैंने जैसे इस पर थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, जैसे मैं इसको ये ले आई और इसमें सिटी भी है जो नाम डाल दिया और गेम नेम ऐसा कुछ भी है जो डाल दिया। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं न्यू पर जा रही हूँ और अपनी टैम्पलेट दोबारा ओपन कर रही हूँ, कौन सी विनर वाली। ठीक है, तो जैसे मैं विनर वाली को ओपन करूंगी सो लाइक हाउ मेरा अपडेट हो गया है। ठीक है, मैं दोबारा कट कर दे रही हूँ इसको सब कुछ, जैसे मैंने इसको कट किया, डिस्कार्ड किया, ठीक है कट किया, सब कुछ कट हो गया। अब मैं दोबारा से राइटर ओपन कर रही हूँ। ठीक है, आई विल बी क्लिकिंग ऑन ओपन ऑफिस राइटर अगेन, वो चेंज जो मैंने अपडेट किए थे उसको विजिबल, उसको देखने के लिए। ठीक है, ओके, सो लाइक हाउ मेरा ये ओपन हो गया। अब मैं फाइल पर गई, न्यू पर गई, टैम्पलेट पर क्लिक किया मैंने एंड देन विनर पर क्लिक किया और इसको दोबारा देखा तो मेरा ये इस तरीके से देखो, क्लास और नेम और सिटी जो भी था वो चेंज हो गया। अब मैं इसका कलर और चेंज करके देख लेती हूँ, जैसे मैंने इसको ये किया है ना। ठीक है, हाँ, बट उससे पहले मुझे इसको एडिट करना था ना। आई विल बी क्लिकिंग हेयर, यहाँ पर गए टैम्पलेट पर, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज पर क्लिक किया। ठीक है, आप एडिट पर क्लिक करके भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इजी पड़ेगा। विनर पर गए, ठीक है, और विनर के बाद में मैंने इसको एडिट किया। ठीक है, तो ये मेरे पास में यहाँ एडिट मोड में ओपन हो गया। अब मैं इसको देखो इसका जो, एक सेकेंड, यहाँ पर देखो ये येलो कर दिया मैंने। अब मैं इसको सेव कर दूँ, कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं जैसे ही दोबारा कोई नई टैम्पलेट ओपन के लिए मैंने इसका नाम दिया मतलब विनर को, तो अब ये मेरे पास देखो एडिट करने के बाद मैंने वहां इसको सेव कर दिया था, तो लाइक हाउ दिस इज ओपनिंग। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को डिलीट करना है इस टैम्पलेट को। ठीक है, तो आई विल बी गोइंग टू द टैम्पलेट एंड देन मैं जो है ऑर्गेनाइज। ओके, सो ऑर्गेनाइज के बाद में लेट सपोज कि मैं पेपर सैंपल करके कोई है तो मैं उसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं उसको डिलीट कर रही हूँ। तो डू यू वॉन्ट टू डिलीट, यस, सो लाइक हाउ विनर वाली भी ऐसे डिलीट हो जाएगी, यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दिस। ठीक है, बट आई डोंट वॉन्ट कि वो डिलीट हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी ये वाली टैम्पलेट देख ली। ठीक है, तो मैंने ये आपको अलग अलग तरीके से बताया कि हाउ हम कैसे अपनी टैम्पलेट्स को एडिट, अपडेट, चेंज, डिफॉल्ट
क्रिएट कैसे कर सकते हैं विजार्ड के थ्रू, ये सारी चीजें हमने जानी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, प्री डिफाइंड टैम्पलेट, पहले टैम्पलेट बनाना सिखाया, फिर उसके बाद ऑलरेडी प्री डिफाइंड को यूज करना सिखाया विजार्ड के थ्रू, देन आप लोगों ने डिफॉल्ट टैम्पलेट सेट करना और डिफॉल्ट को दोबारा से जो है रीसेट करना, देन आपको एडिट अपडेट बताया एंड देन आपको डिलीट बताया। तो ये आप लोगों का टैम्पलेट का पूरा किस्सा चैप्टर है जो खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो मेल मर्जिंग वाला है उसकी तरफ प्रोसीड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच बच्चा, अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को जरूर है जो आप शेयर करिएगा, ठीक है। डू सब्सक्राइब द चैनल नई नई वीडियोज के लिए। सो चलिए फिर, बाय बाय।